ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझने के लिए आपको समझना पड़ता है कि आपके पास जो दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की तरफ किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आ रहे हैं। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है तीन बातों के ऊपर। नंबर वन स्टेरिक फैक्टर, जिसको आप लोग पढ़ते हो स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर। नंबर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, जिसको समझने के लिए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में पता होना चाहिए। नंबर थ्री ऑर्बिटल इंटरेक्शन, जिसको समझने के लिए आपको एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में, हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में पता होना चाहिए। और ये सारी बेसिक बातें हम लोग कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। साथ ही मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन सोर्स क्या होता है और इलेक्ट्रॉन सिंक क्या होता है, कहाँ कहाँ पर आपको फील्ड ऑर्बिटल्स मिलते हैं और कहाँ कहाँ पर आपको अनफील्ड ऑर्बिटल्स मिलते हैं। और आपका जो कर्व एरो होता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि आपके पास होने वाला है होमो टू लूमो। तो इलेक्ट्रॉन सोर्स में आप लोग ढूंढ रहे होते हैं होमो को, इलेक्ट्रॉन सिंक में आप लोग ढूंढ रहे होते हैं लूमो को। और ये आपका था बेसिक्स, और बेसिक्स आपको हमेशा याद होना चाहिए। आज मैं आपका सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ कि आपका सिलेबस कैसे ऐसा है नेट का, और किस पैटर्न के अंदर हम लोग आरजे अकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ने वाले हैं। और स्टार्ट करेंगे अपने सबसे पहले टॉपिक को, जो कि आपके पास होने वाला है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। हे गाइस, दिस इज आरजे एंड वेलकम टू आरजे एकेडमी। सो दिस इज लेक्चर नंबर 5 ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आखिर किस पैटर्न से हम लोग आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर हम रिएक्शन मैकेनिज्म को कवर करने वाले हैं। अभी आपके चार लेक्चर्स हो चुके हैं, वो चारों लेक्चर्स बिल्कुल बेसिक लेक्चर्स थे। वो बातें आपको हर वक्त पता होनी चाहिए इस पूरे कोर्स के अंदर। उन लेक्चर्स को आप लोग बार बार देखिए, बार बार देखिए। जितनी बातें मैंने आपको पहले बताई है कि आपके पास रिएक्शन क्यों हो रही है, आपके बोर्ड एंगल के अंदर, बोर्ड लेंथ के अंदर डिस्टॉर्शन आ जाता है, आपके मॉलिक्यूल एक्साइट कर जाएगा तो डिस्टॉर्शन आ जाएगा, डिस्टॉर्शन बड़ा होता है तो रिएक्शन हो जाती है, आपको इलेक्ट्रॉन सोर्स के बारे में बताया, इलेक्ट्रॉन सिंक के बारे में बताया, फील्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एंटीमेटर ऑर्बिटल क्या होते हैं और कैनोनिकल ऑर्बिटल का वो डायग्राम किस तरीके से बनाते हो, होमो कैसे ढूंढते हो, लूमो कैसे ढूंढते हो, वो सारी बातें आपको हर वक्त पता होनी चाहिए। इनका हम लोग इस कोर्स के अंदर पूरी अच्छे तरीके से यूज करेंगे। अब जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस के एग्जाम का, वहां पर आपके पास चार बातें लिखी हुई है। वहां पर लिखा हुआ है कि आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ना है, आपको एलिमिनेशन को पढ़ना है, आपको एडिशन को पढ़ना है, और साथ में आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और रेडिकल स्पीशीज के बारे में पता होना चाहिए। और साथ में आपको रिएक्शन का पाथवे भी डिस्कवर करना है कि आखिर किस तरीके से कौन सी रिएक्शन किस पाथवे के थ्रू जा रही है। उस पाथवे के ऊपर से आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं कि वो किस इंटरमीडिएट के थ्रू जा रही है, उस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ऑर्डर आ सकता है, आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले जब मैंने आपको बताया था कि आखिर किस तरीके से आप लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन के रिएक्शन को आप लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। तो यहां पर आपके पास रिएक्टेंट्स थे, आपके पास इंटरमीडिएट था, आपके पास क्या था, प्रोडक्ट था। तो आपको इंटरमीडिएट को भी पढ़ना है, आपको रिएक्टेंट्स को भी पढ़ना है और आपको प्रोडक्ट को भी पढ़ना है कि आपके पास काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनेगा या फिर आपके पास थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनेगा। तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, इसको मैं स्टार्ट कर दूंगा आज किस क्लास के अंदर ही। फिर हम लोग पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन को, एलिमिनेशन को और रिएजमेंट रिएक्शन को। और साथ में हम लोग कुछ टॉपिक्स और भी टच करेंगे जो कि आपका रिएजेंट्स वाले टॉपिक का है, लेकिन स्टार्ट में आपको यहां पर करा दूंगा, उसके बाद रिएजेंट्स के अंदर हम लोग उनको डिटेल के अंदर कवर करेंगे। हम लोग कवर करने वाले कि फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग किस तरीके से करते हो। बेसिकली अगर आपको इन रिएक्शंस को समझना है तो आपको कुछ एग्जांपल्स लेने पड़ेंगे और उन एग्जांपल्स के अंदर आपके पास रिएक्शन हो रही होती है और वहां पर भी आपके पास जो अल्कोहल है वो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है। कई कई बार आपके पास एसिड क्लोराइड एल्किन के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है, तो वहां पर भी आप लोग फंक्शनल ग्रुप कन्वर्जन को करते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कैटेगराइज कर लेंगे कि हम लोगों ने यहां पर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले कि आखिर एसिड बेस रिएक्शन क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर आपके पास एसिड बेस रिएक्शन हो रही होती है, सबसे पहले पास यही होती है, तो इसको हम लोग यहाँ पर कर लेंगे, टच कर लेंगे। फिर आपको पढ़ना है रिएक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू फॉर्मेशन ऑफ सीसी बॉन्ड एंड रिंग फॉर्मिंग एंड रिंग ओपनिंग। तो बेसिकली बात यह कि रिएजेंट्स वाले चैप्टर के अंदर आप लोग ये देखते हो कि अगर मैं किसी रिएजेंट को डालूंगा तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी बनेगी। तो आपको वहां पर डायरेक्टली प्रोडक्ट को याद करना पड़ता है, आपको वहां पर मैकेनिज्म से ज्यादा मतलब होता है नहीं। लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म के कोर्स के अंदर आपके पास जो रिएक्शंस आएंगी, आपको उसके मैकेनिज्म के बारे में सब कुछ डिटेल के अंदर पता होना चाहिए। तो ऐसी कुछ नेम रिएक्शंस होती हैं जिनके आपको मैकेनिज्म भी पढ़ने होते हैं। तो जिनके आपको मैकेनिज्म पढ़ने हैं वो नेम रिएक्शन आपको पता आती है रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर, और जिनके आपको मैकेनिज्म नहीं पढ़ने लेकिन रिएजेंट किस तरीके से काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है आपके पास, रिड्यूसिंग रिएजेंट है, वो रिएजेंट किस तरीके से अटैक करेगा, किस ग्रुप को कैसे चेंज करेगा, वहां पर आप लोग डायरेक्टली उन चीजों को याद करते हो। उसको आप लोग कहां पर पढ़ते हो, रिएजेंट के अंदर पढ़ते हो। तो रिएजेंट्स की केमिस्ट्री के लिए आपको मैकेनिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ रिएजेंट के मैकेनिज्म भी आपको याद करने हैं, वो आपके पास रिएक्शन मैकेनिज्म के इस कोर्स के अंदर। तो कुछ नेम रिएक्शन आपके पास यहां पर भी कवर हो जाएगी। तो ऑफिशियल सिलेबस आप लोग देख सकते हैं, वहां पर सिर्फ तीन चार बातें लिखी हुई है, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये कि आपको क्या क्या चीजें याद करनी है। मैंने एग्जांपल आपको पहले बता दिया है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि अगर आपके पास यहां पर कोई भी रिएक्टेंट्स होंगे तो आपको सबसे पहले यह देखना है कि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा है और इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सा है। तो आप लोग यहां पर डेल्टा प्लस और डेल्टा नेगेटिव तो लगा ही देते हो, इतना तो आपको आता है, तो आपको पता होगा कि आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में आप लोग क्या ढूंढते हो, आप लोग यहां पर ढूंढने वाले हो कि आपके पास लूमो क्या होने वाला है।
अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आपके पास क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन सिंक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन सिंक है तो मैंने आपको कैटेगराइज करके दिखाया था कि आपके पास कौन कौन से इलेक्ट्रॉन सिंक होते हैं। तो आपको तुरंत कैटेगराइज करना है कि आपके पास जो ये इलेक्ट्रॉन सिंक है ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। ये बिलोंग करता है कार्बन डबल बॉन्ड हेट्रो बॉन्ड विदाउट लिविंग ग्रुप। यहां पर आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और यहां पर कोई भी लिविंग ग्रुप नहीं है। वो कैटेगरी मैंने आपको अलग से बताई थी, तो वो कैटेगरी के अंदर आपको सबसे पहले जो क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। डिवाइड कर पाओगे तो उसके बेसिस के ऊपर आप लोग लूमो को आराम से क्या कर पाओगे, सेट कर पाओगे। और अगर आप लोगों ने कैटेगराइज करना सीख लिया तो आपको लूमो को ढूंढना पता चल जाएगा। सेम उस तरीके से आपको यहां पर देखना है कि इलेक्ट्रॉन सोर्स क्या है, आपको यह देखना है कि कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है ये। तो ये आपके पास कहां पर आता है, आपके पास होता है लोन पेयर्स होते हैं जो कहां रहते हैं, नॉन बॉन्डिंग के अंदर रहते हैं। यानी कि आपको होमो क्या हो जाएगा, नॉन लोन बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल आपके हो जाएंगे, होमो हो जाएंगे। और आपको होमो से वापस क्या हो जाएगा, यहां पर ट्रांजिशन हो जाएगा। तो कैनोनिकल ऑर्बिटल किस तरीके से बनाना है वो आपको याद रखने हैं, स्टार्टिंग के चार लेक्चर्स आपको याद करने हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं अपने इस कोर्स को। सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पर आपको दो चीजें पढ़नी है, आपको यहां पर पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आपको यहां पर पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले ये समझिए कि आखिर इनके बीच में डिफरेंस क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो उसका मैंने यहां पर एक जनरल एग्जांपल लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है एग्जांपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, मैंने यहां पर क्या लिया हुआ है, मैंने यहां पर लिया हुआ है RCOCl, ये मैंने यहां पर कंपाउंड बनाया हुआ है। अगर मैं यहां पर कोई भी OH नेगेटिव को लेकर आऊंगा तो आपको पता है कि अटैक किस तरीके से होता है, आपको पता है कि यहां पर इस तरीके से अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड टूटकर आपके पास यहां पर चला जाएगा, बस क्या बन जाएगा, आपके पास यहां पर एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी, आपके पास बॉन्ड बन जाएगा RCOOH और आपके पास यहां पर Cl नेगेटिव निकल जाएगा। तो बेसिकली मैकेनिज्म अभी नहीं समझ, लेकिन आप लोग यहां पर देखकर ये बोल सकते हो कि आपके OH नेगेटिव ने इस Cl नेगेटिव को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज आपके पास क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। और जब क्लोरीन निकलेगा तो इसके ऊपर आपके पास क्या आने वाला है, नेगेटिव चार्ज ही आएगा, यानी कि Cl नेगेटिव आपके पास क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल ही होता है। तो अब यहां पर एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसलिए मैं इसको क्या बोलने वाला हूं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलने वाला हूं। अगर आपका एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा तो मैं उसे क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलूंगा। जैसे कि उसका एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा हुआ है, अगर आपके पास यहां पर कोई बेंजीन की रिंग होती है, आप इसकी रिएक्शन कराते हो HNO3 और H2SO4 के साथ, इसका आपके पास कुछ रेशो होता है 1:3 में आपको लेना होता है, इन दोनों की रिएक्शन आपके पास क्या हो जाता है, NO2+ की जनरेशन हो जाती है। मैकेनिज्म को लोग बाद में डिटेल करेंगे, लेकिन जैसे ही आपके पास ये NO2+ की फॉर्मेशन हो जाएगी तो ये एक पावरफुल इलेक्ट्रॉन सिंक हो जाता है। और अगर आपके पास एक पावरफुल इलेक्ट्रॉन सिंक होता है तो बेंजीन की रिंग के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी आपके पास क्या रहते हैं, डोनेशन की कैपेबिलिटी रखते हैं और आपके पास यहां पर ही रिएक्शन हो जाती है। तो बेसिकली इस रिएक्शन के अंदर भी क्या हो रहा है कि आपके पास जो ये बेंजीन की रिंग है इसके ऊपर जो ये हाइड्रोजन का एटम है, इस एटम को आप लोग रिप्लेस कर रहे हो विद NO2+। तो आपने यहां पर क्या किया, एक H+ को आपने यहां पर क्या कर दिया, NO2+ से रिप्लेस कर दिया, यानी कि आपने एक इलेक्ट्रोफाइल को दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस कर दिया। इसको आप लोग क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हो। तो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि आखिर इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। लेकिन अगर आपको एक जनरल डेफिनेशन बनानी है कि आखिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, तो मैंने यहां पर लिखी हुई है, रिप्लेसमेंट ऑफ एटम मॉलिक्यूल ग्रुप बाय अदर एटम मॉलिक्यूल ग्रुप इन ए रिएक्शन इज जनरली कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर आपको कैटेगराइज करना है न्यूक्लियोफिलिक क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक क्या होती है, तो अगर न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल को निकालेगा तो वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बन जाती है, अगर इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को निकालेगा तो वो क्या बन जाती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बन जाती है। अब हम लोग चलते हैं आगे। यहां मैंने लिखा हुआ है जनरली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर स्टडीड अंडर 4 कैटेगरी, और आपको भी यहां पर 4 कैटेगरी के अंदर ही डिवाइड करनी है। अगर आपके पास कोई भी आपको रिएक्शन देखने को मिलती है जहां पर आप लोग ये ऑब्जर्व करते हो कि एक एटम दूसरे से रिप्लेस हो गया, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। उसके बाद आपको करना है कैटेगराइज कि इनके अंदर से, मैं यहां पर बात करूंगा 4 कैटेगरी की, तो आपको बस ये देखना है कि किन 4 कैटेगरी के अंदर आपके पास ये रिएक्शन आ रही है, ताकि जिस कैटेगरी के अंदर हमने जो पढ़ा है वो सारी चीजें आपको पहले से ही पता हो। तो सबसे पहले कैटेगरी मैंने यहां पर लिखी हुई है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एड सैचुरेटेड कार्बन। जैसे कि आपके पास यहां पर इस टाइप का कोई कंपाउंड होगा CH3, आपके पास मैं क्या करता हूं, यहां पर लगा देता हूं X। जैसे कि आपके पास यहां पर क्या लगा, मैं क्लोरीन लगा दूंगा, आपके पास यहां पर क्या होता है, OH नेगेटिव आता है, ये इसमें अटैक करेगा, Cl आपके पास निकल जाएगा, तो क्या होगा, आपके पास एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। लेकिन आप इसको कैटेगराइज कर रहे हो, आप लोग कैसे इसको बोल रहे हो, आप लोग बोल रहे हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट सैचुरेटेड कार्बन। आपके पास जो एक कार्बन है इसके ऊपर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, ये कैसा है, सैचुरेटेड है, सारे आपके पास यहां पर क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। तो अगर आपके पास कुछ इस टाइप की रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी एग्जाम के अंदर, आपको सबसे पहले कैटेगराइज करना है कि ये कहां पर आ रही है, ये आ रही है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट सैचुरेटेड कार्बन, जहां पर आप लोग क्या पढ़ते हो, SN1 को पढ़ते हो, SN2 को पढ़ते हो, SNI को पढ़ते हो और NGP को पढ़ते हो। ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं SNI से और NGP वाले पार्ट से, लेकिन बच्चे ज्यादा क्या पढ़ लेके जाते हैं, SN1 को पढ़ जाते हैं, SN2 को पढ़ जाते हैं। SN1 से SN2 के अंदर से क्वेश्चन आपके पास IIT JEE के अंदर तो आते हैं भर भर के, लेकिन CSIR नेट के अंदर ज्यादा क्वेश्चन आपके पास कहां से आते हैं, वो आपके पास आते हैं SNI से और NGP से। तो आपको SNI के ऊपर और आपको NGP के ऊपर अच्छा खासा फोकस करना है, इसको हम लोग यहां पर डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो मैंने यहां पर इस कैटेगरी के कुछ एग्जांपल भी लिखे हैं, जैसे मैंने नेक्स्ट यहां पर लिखी हुई है PHCH2Cl के ऊपर मैं लगाऊंगा PHS-, तो आपके पास क्या करेगा, यहां पर इस तरीके से अटैक करेगा, Cl आपके पास यहां पर लीव कर देगा, बन जाएगा आपके पास PHCH2SPH बन जाएगा। अब क्योंकि आपके पास जो यहां पर ये कार्बन है, आपके पास यहां पर कैसा है, सैचुरेटेड है, तो मैं क्या करूंगा, इसको फर्स्ट कैटेगरी के अंदर बिलोंग करा दूंगा। अब यहां पर जो पढ़ने वाला हूं कैटेगरी के अंदर, सिर्फ उन्हीं बातें को आपको याद रखना जब भी आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हो। एक और एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा हुआ लिया हुआ, यहां पर कोई अल्काइल ब्रोमाइड, यहां पर मैंने क्या लिया हुआ, OH नेगेटिव, इस तरीके से अटैक करेगा, Br बाहर
निकल जाएगा, तो ये भी आपके पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट सैचुरेटेड कार्बन है। उसके बाद सेकंड मैंने यहाँ पर लिया हुआ है सेकंड चीज, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट कार्बोनिल ग्रुप। अब कार्बोनिल ग्रुप की आपको काफी ज्यादा रिएक्शन देखने को मिलने वाली है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन इसको भी आप लोग कैटेगराइज कर सकते हो दो चीजों के अंदर। आपके पास यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप तो होने ही वाला है, आपके पास यहाँ पर कोई इस टाइप का ग्रुप होगा। अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ रहा है इसके ऊपर अटैक करेगा, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है। एक तो आपके पास यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आके ऐसे अटैच कर जाए और ये वाला पार्ट आपके पास यहाँ पर चला जाए, आपके पास यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, आपके पास जो CO पहले था वो आपके पास क्या रह जाए, एज इट इज रह जाए, आपका CO यहाँ पर लूज ना हो रहा हो। या फिर आपके पास कुछ रिएक्शन ऐसी भी हो सकती है, यहाँ पर आपके पास ये क्या है, रिएक्टेंट है, और आपके पास यहाँ पर बाद में क्या बन जाएगा, इस तरीके से आपके पास यहाँ पर एंड जुड़ जाएगा और आपके पास इस तरीके से यहाँ पर कोई प्रोडक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पर बेसिकली क्या हो गया, आपके पास स्टार्टिंग में क्या था, CO था, यहाँ पर पास क्या आ गया, C डबल बॉन्ड N आ गया, यानी कि O आपके पास यहाँ पर क्या हो गया, लूज हो गया। आपका जो कार्बोनिक ग्रुप है वो आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर आपने लूज कर दिया। लेकिन आपके पास ये भी क्या है, बेसिकली एक टाइप का सब्स्टिट्यूशन ही है। आपने यहाँ पर क्या किया है, ऑक्सीजन की जगह आप लोगों ने नाइट्रोजन के एटम को यहाँ पर लगा दिया, यानी कि आपने उसको क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब क्योंकि ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लेकिन आपके पास क्या बन जाएगी, अलग कैटेगरी की बन जाएगी, जहां पर आपके पास कार्बोनिक ग्रुप का ऑक्सीजन क्या हो गया, लूज हो गया। तो मैं यहाँ पर इसको दो कैटेगरी के अंदर क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। जैसे कि आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा विदाउट लूजिंग कार्बोनिल ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या पढ़ना पड़ेगा, विद लूजिंग कार्बोनिल ऑक्सीजन। जैसे ही उस एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपके पास यहाँ पर कोई कंपाउंड होता है RCOL, या पास क्या लिविंग ग्रुप है, आपके पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा, क्या बन जाएगा आपके पास, RCOY बन जाएगा। आपके पास जो CO ग्रुप यहाँ पर है, या आपके पास पहले भी था, या आपके पास क्या है अभी भी है, ये करके रिटेन करके इसको मैं क्या बोलूंगा, विदाउट लूजिंग कार्बोनिल ऑक्सीजन। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है RCOCl, आपके पास O नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा, CO नेगेटिव निकल जाएगा, आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, RCOOR बन जाएगा, यानी कि एस्टर बन जाएगा। इसको आप लोग क्या बोलते हो, एस्टरीफिकेशन बोलते हो। तो एस्टरीफिकेशन रिएक्शन आपके पास एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो किस कैटेगरी में आती है, वो आपके पास आती है विदाउट लूजिंग कार्बोनिल ऑक्सीजन के अंदर। तो आपको इस तरीके से अपनी रिएक्शन को कैटेगराइज करना है। फिर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ एग्जांपल विद लूजिंग कार्बोनिल ऑक्सीजन, आपके पास यहाँ पर क्या होता है, कीटोन होता है। अगर मैं कीटोन की रिएक्शन कराता हूँ, अमीन आपके पास क्या बन जाता है, इनामीन बन जाता है। तो इस टाइप के रिएक्शन को भी आप लोग आगे जाकर देखने वाले हो काफी ज्यादा। तो इस टाइप के रिएक्शन भी होते, इसको मैं क्या बोलने वाला, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही बोलने वाला हूँ। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है थर्ड कैटेगरी, मैंने यहाँ पर क्या लिखी हुई है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक लिखी हुई है। अगर आपके पास यहाँ पर एरोमेटिक रिंग होती है, और अगर आपके पास एरोमेटिक रिंग के ऊपर यहाँ पर कोई ग्रुप होगा जिसको मैं रिप्लेस कर यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, OH ग्रुप को लगा दिया, मैं क्या बोलने वाला हूँ इसको देखकर कि ये आपके पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। लेकिन ये किस क्लास के अंदर आएगी, ये आपके पास आने वाली है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक के अंदर। तो यहाँ पर मैं जो बातें पढ़ने वाला हूँ वही बातें आपको ध्यान रखनी है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आता है तो। लेकिन एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन आपके पास बहुत रेयर मिलती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर बेंजीन के ऊपर क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंजुगेशन के अंदर है। अगर आपके पास यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो यहाँ पर क्या आपके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है, यहाँ पर क्या आपके पास डेंसिटी होती है, तो इनकी जो आपके पास क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो इसीलिए आपके पास यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है वो डायरेक्टली इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता और आपको एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलेशन ज्यादा देखने को नहीं मिलती। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर एरोमेटिक रिंग के ऊपर कोई अच्छा सा यहाँ पर लगा देते हो लिविंग ग्रुप, यानी कि लिविंग ग्रुप इतना अच्छा है कि निकलने को तैयार है, तो उस केस के अंदर आपके पास यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर पाता है। इसीलिए आप लोग सबसे पहले क्या करते हो, आप लोग डाइएजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हो काफी ज्यादा रिएक्शंस के अंदर। अगर आपको रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन कराना है तो आपको पहले क्या बनाना पड़ता है, डाइएजोनियम साल्ट बनाना पड़ता है, क्योंकि डाइएजोनियम साल्ट ऊपर यहाँ पर क्या आता है, N2+Cl नेगेटिव आता है और N2 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। इसको आप लोग समझ भी सकते हो कि एटमॉस्फेयर के अंदर N2 की गैस कितनी ज्यादा कंपोजिशन के अंदर प्रेजेंट होती है। वो ज्यादा कंपोजिशन के अंदर है क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है, और अगर वो ज्यादा स्टेबल है तो ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। अगर आपको डाइएजोनियम साल्ट की फॉर्मेशन आपने कर दी तो N2 निकलने को तैयार होता है। अगर आपके पास ये बहुत ज्यादा वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तब भी ये क्या कर देगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर देगा। तो इसके बिना सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, इसके बिना आपके पास ये अटैक ही नहीं करेगा। लेकिन इसके बनते ही आपके पास अटैक होना शुरू हो जाता है, आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन क्योंकि आप लोग यहाँ पर इस इंटरमीडिएट को देख नहीं सकते हो, आप लोग सिर्फ इसको देखने वाले हो, इसको देखने वाले हो, आपने क्या देखा कि NH2 को आपने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया OH नेगेटिव से। इसका मतलब आपके पास ये क्या है, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इसको आप लोग इस मैकेनिज्म से नहीं पढ़ने वाले हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक के अंदर आपको पहले क्या करना पड़ता है, डाइएजोनियम को बनाना पड़ता है। इस तरीके से ही आपके पास रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड होती है। तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन को कैटेगराइज करना है। ऐसा नहीं है कि इसको देखकर आप लोग डायरेक्ट अटैक करना शुरू करा दोगे, आपको कैटेगराइज करना आना पड़ेगा। नेक्स्ट कैटेगरी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक। अब यहाँ पर आपको कुछ नेम रिएक्शन पढ़ने, जैसे कि फ्रीडल क्लाफ्ट एल्केलेशन आपको पढ़नी है, फ्रीडल क्लाफ्ट एसिलेशन पढ़नी है। इसको पहले कोर्स के अंदर बता भी, जो पास यहाँ पर क्या होता है, आपके पास बेंजीन की रिंग होती है, आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला है, एसाइल क्लोराइड होगा। मैंने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, फ्रीडल क्लाफ्ट एसिलेशन ली हुई है। तो आपके पास क्या होने वाला है, एसाइल क्लोराइड होगा। आप यहाँ क्या डालते हो, AlCl3 को डालते हो, तो आपके पास क्या बन जाता है, इस टाइप की प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो बेसिकली आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, अपने इस H+ को किससे रिप्लेस करते हो, आप लोग इसको रिप्लेस करते हो कार्बन को। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, बस क्या होता है, R होता है। इस जो Cl आपके पास यहाँ पर लगा होता है, इस Cl को ये AlC3 लेकर चला जाएगा, बस क्या बन जाएगा, RCO पॉजिटिव बन जाएगा, और ये जो है उसके H पॉजिटिव का करता है, रिप्लेस कर देता है। यानी कि एक इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है, दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर रहा है। किसके अंदर आएगा, आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर आएगा। और क्योंकि आपके पास यहाँ पर एरोमेटिक रिंग, मैं क्या बोल दूंगा इसको, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक बोल दूंगा। यहाँ पर आपको कुछ नेम रिएक्शंस पढ़नी है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे तो कंफ्यूजिंग आएंगे, और स्टार्टिंग वाले पार्ट के अंदर आपको SN1 पढ़ना है, SN2 पढ़ना है, SNI पढ़ना है और NGP पढ़ना है। SN1
सेक्शन टू आपको इंपॉर्टेंट है, आपको आता भी है, लेकिन वहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा कि आखिर सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं। सॉल्वेंट बहुत टाइप के होता है, बस प्रोटिक भी होता है, ए प्रोटिक भी होता है, कैसे क्लासीफाई करते हो, किस रिएजेंट का क्या काम होता है, किस सॉल्वेंट किस तरीके से काम करने वाला है, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, सब कुछ आपको समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी पहली रिएक्शन से, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी अभी मैंने क्या किया है, अपनी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को मैंने क्या किया, बहुत चीज़ों के अंदर क्लासीफाई कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले कैटेगराइज करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि कौन सी चीज़ ऐसी चीज़ है जो सारी कैटेगरी क्या करती है, फॉलो करती है। आपने क्या किया है, आपने अपनी रिएक्शन को चार पार्ट के अंदर कैटेगराइज कर दिया। हम इन चार पार्ट को अलग अलग तो पढ़ने वाले, लेकिन इन चार पार्ट के अंदर कुछ चीज़ें कॉमन होने वाली है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि कौन सी चीज़ें इन चारों पार्ट के अंदर कॉमन होगी, उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, हर एक पार्ट को अलग अलग पढ़ने वाले हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, चाहे वो आपके पास कोई भी कैटेगरी का हो। जैसे कि अगर आपके पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, आपके पास यहाँ पर कोई सबसेट होता है किसी भी ग्रुप के ऊपर, आपका क्या लगा होता है, लिविंग ग्रुप लगा होता है, तो आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करता है, लिविंग ग्रुप यहाँ पर चला जाता है, आपके पास यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, पास यहाँ पर क्या होता है, एल नेगेटिव जुड़ जाता है। मैं बात कर रहा हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, जिसको आपने फोर कैटेगरी में डिवाइड किया है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि उन चारों कैटेगरी के अंदर कॉमन बातें क्या क्या हो सकती है। तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, ये निकलेगा, यानी कि आपको पढ़ना पड़ेगा कि आखिर आपके पास न्यूक्लियोफाइल किस तरीके से बिहेव करता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आपके पास अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। एग्जाम के अंदर वो आपको अलग न्यूक्लियोफाइल दे देगा, तो आपको उसको अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो न्यूक्लियोफाइल कैसे कैसे होते हैं, किस किस तरीके से काम करना है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि आपको यहाँ पर देखना पड़ता है इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम को आपको कैसे पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन रिच हमारे पास क्या होता है, आपके पास एन होता है, नॉन बॉन्डिंग पास होता है, पाई ऑर्बिटल पास होता है, आपके पास क्या होता है, सिग्मा ऑर्बिटल होते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, होमो को ढूंढना पड़ता है। और यहाँ पास कैसे होते हैं, न्यूक्लियस लवर होते हैं। न्यूक्लियस हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहाँ पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये कहाँ पर जाएंगे, आपके पास पॉजिटिव तरफ जाएंगे, इसको मैं क्या बोलता हूँ, न्यूक्लियस लवर भी बोल देता हूँ। उसके बाद आपको पढ़ना है कि यहाँ पर जो ग्रुप निकल रहा है, लिविंग ग्रुप, ये ग्रुप जल्दी निकलेगा, ये ग्रुप निकलने को चाह भी रहा है कि नहीं चाह रहा है, कोई अच्छा लिविंग ग्रुप हो सकता है, कोई बेकार लिविंग ग्रुप हो सकता है। आपको क्या पढ़ना पड़ता है कि ग्रुप दैट इज एक्सपेल्ड बाय न्यूक्लियोफाइल और बाय इटसेल्फ इज स्टेबल और नॉट। अगर ये निकलने के बाद स्टेबल फॉर्म हो रहा होगा तो ये जल्दी निकल जाएगा, अगर ये निकलने के बाद स्टेबल फॉर्म के अंदर नहीं है तो ये लेट निकलेगा। आपको ये पढ़ना है कि कौन सा लिविंग ग्रुप स्टेबल होता है, कौन सा अनस्टेबल होता है, अगर कोई स्टेबल तो वो स्टेबल क्यों होता है, कोई अनस्टेबल तो स्टेबल क्यों नहीं होता। अगर आपके पास चार पांच लिविंग ग्रुप है तो उनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, कौन सा पहले निकलेगा, कौन सा बाद में निकलेगा, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ आर एन टू पॉजिटिव, मैंने आपको भी बताया कि एन टू आपके पास कितना अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो कुछ लिविंग ग्रुप ऐसे होते हैं जो खुद से भी निकल जाते हैं, अगर आप लोग यहाँ पर आर एन टू पॉजिटिव को लगा दोगे तो ये खुद से ही निकल जाएगा, बस यहाँ पर क्या बन जाएगा, आर पॉजिटिव बन जाएगा। और क्योंकि आपके पास कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन सिंक का काम करता है, तो इस केस के अंदर आपके पास बेंजीन की रिंग भी एक्टिव हो जाती है। आपने अभी भी देखा है, आपने देखा था कि अगर आपको यहाँ पर एरोमेटिक रिंग के ऊपर कराना है सब्स्टिट्यूशन, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पहले क्या बनाना पड़ता है, आपको यहाँ पर पहले डाई अजोनियम साल्ट बनाना पड़ता है, एन टू पॉजिटिव और सी एल नेगेटिव बनाना पड़ता है। तो जैसे इसकी फॉर्मेशन होगी, एन टू यहाँ से खुद ही निकल कर चला जाएगा, आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पहले ही बन जाएगा। और क्योंकि अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन गया है, तो आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल है इसके ऊपर इजीली अटैक कर सकता है। यहाँ पर वो अटैक नहीं कर सकता, यहाँ पास क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगा, क्या हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, इसलिए आपको जो न्यूक्लियोफाइल है वो आराम से अटैक कर पाता है। तो एन टू बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो कुछ लिविंग ग्रुप खुद से ही निकल जाते हैं, कुछ लिविंग ग्रुप क्या करता है, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है तब वो निकलना स्टार्ट कर रहे होते हैं। कुछ खुद से निकल जाते हैं, खुद तब निकलते हैं न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे कि आपके पास यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, अगर आपके पास कोई टर्शियरी अल्कोहल होता है तो उसके अंदर आप लोग कर दोगे एसिडिक मीडियम को, तो क्या करेगा आपके पास ये जो लोन पेयर है, आपके पास क्या करेंगे एच प्लस के ऊपर अटैक करने पर क्या बन जाएगा, OH2 पॉजिटिव बन जाएगा। और OH2 पॉजिटिव यानी कि जब ये निकलेगा आपके पास क्या बन जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा, और वाटर का मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, यानी कि ये भी आपके पास खुद से निकल जाएगा, आपके पास क्या बन जाएगी टर्शियरी कार्बोकैटायन बन जाएगा। पता भी है कि टर्शियरी कार्बोकैटायन आपके पास स्टेबल होता है, तो निकलने के बाद ये भी स्टेबल बन रहा है, ये भी स्टेबल बन रहा है, पास क्या हो जाएगा, ये इजीली निकल जाएगा। वहीं अगर आपके पास यहां पर ये क्या होता, सेकेंडरी अल्कोहल होता, आपके पास यहां पर H+ जुड़ जाता, तब आपके पास यहां पर क्या बनने वाला है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनने वाला है। तो लिविंग ग्रुप के निकलने के बाद आपके सब्सट्रेट के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, वो आपके पास स्टेबल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, लिविंग ग्रुप निकलने के बाद खुद स्टेबल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आपको हर एक फैक्टर के ऊपर ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे, आगे मैंने यहां पर लिखा हुआ है फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी। अगर आपके पास यहां पर बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल, क्या न्यूक्लियोफाइल बना है, आपके पास न्यूक्लियोफाइल 2 है, आपके पास न्यूक्लियोफाइल 3 है, तो उनके अंदर से किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, कौन सा पहले अटैक करेगा, उसके बारे में हम लोग कहां बात करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करेंगे। पहला फैक्टर मैंने यहां पर लिखा हुआ है, इफ न्यूक्लियोफिलिक एटम इज सेम देन न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरेलल टू बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होती है और न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, उसके बारे में पता होना चाहिए। बेस वो चीज होती है जो आपके स्पीसीज के अंदर से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो आपके पास कार्बन के ऊपर जाकर अटैक करेगा। तो अगर आपके पास किसी कंपाउंड की बेसिसिटी ज्यादा होती है और उसके आपके पास साइट ऑफ एटम क्या है सेम, आपके पास यहां पर क्या बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल है, मान लो सबके ऊपर साइड आपके पास क्या है, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, हर एक न्यूक्लियोफाइल की जो अटैकिंग साइट है उसके पास क्या है, ओ नेगेटिव है। अगर आपके पास वहां पर सारे के सारे सेम एटम होते हैं तो उस केस में आपकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो आपकी बेसिसिटी के पैरेलल होती है। तो अब सवाल यह है कि आप लोग इस बेसिसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हो, तो आप लोग बेसिसिटी को कैलकुलेट करते हो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर विद द हेल्प ऑफ पीके वैल्यू। आप लोग वहां पर क्या बोलते हो, हायर द पीके वैल्यू हायर विल बी द बेसिसिटी, और पी
पीके वैल्यू आप लोग किसी भी कंपाउंड के लिए लैब के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हो। तो कुछ पीके वैल्यू हम लोग यहां पर याद करके चलेंगे। अगर आपको डेटा याद होगा तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आएगा, कुछ कंपैरिजन आप लोग डायरेक्टली कर पाओगे। तो वैल्यूज को भी हम लोग याद करते हुए चलेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको वैल्यूज याद नहीं करनी, लेकिन अप्रोक्स वैल्यू आप लोग यहां पर याद कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास यहां पर आर ओ नेगेटिव होता है तो इसकी पीके वैल्यू क्या होती है, 16 to 18 के पास होती है। अगर इसके पास ओ एच नेगेटिव है बस यहां पर क्या होती है, पीके वैल्यू 15 to 16 होती है। आपके पास जो फिनोक्साइड का एनोक्स पर क्या होती है, आपके पास 10 के अप्रोक्स होती है। ये मैंने क्या बनाया हुआ है, CH3CO नेगेटिव के पास क्या होती है, 4.7 के पास होती है। H2O के पास क्या होती है, माइनस का 1.7 होती है। RSO3 नेगेटिव के पास क्या होती है, माइनस की 3 होती है। तो आपको अगर पीके वैल्यू का अंदाजा होगा तो आप लोग ये बोल पाओगे कि हायर द पीके हायर विल बी द बेसिसिटी, यानी कि आपका बेसिसिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि इनकी पीके वैल्यू आपको ये बता रही है कि आरओ नेगेटिव क्या है, बहुत अच्छा बेस होता है। तो इसकी पीके वैल्यू ज्यादा तो ये बहुत अच्छा बेस है। फिर आपको ये देखना है कि क्या इनकी साइट आपके पास सेम होने वाली है, यानी कि अगर आपके पास यहां पर इतने सारे न्यूक्लियोफाइल होंगे, आप लोग यहां पर क्या देखोगे कि यहां पर भी ओ नेगेटिव अटैक करने वाला है, 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 यानी कि सबकी साइट आपके पास क्या है, सेम है। अगर सबकी साइट सेम हो जाती है तो आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी के पैरेलल हो जाती है, यानी कि आपका जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है उसका ऑर्डर आपके पास क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अगर आपके पास यहां पर कोई भी सबस्ट्रेट है, अगर आपके पास यहां पर कोई भी सबस्ट्रेट है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और आपके पास यहां पर ये दो न्यूक्लियोफाइल है, तो पहले कौन अटैक करेगा, आर ओ नेगेटिव अटैक करेगा, उसके बाद ओ एच नेगेटिव अटैक करेगा, उसके बाद ये अटैक करेगा। और ये आपके पास क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर। आपके पास यहां पर क्या थे, स्टार्टिंग के 4 ऑप्शंस आपको गिवन थे, आपको ये बताना था कि इसके अंदर से सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी कौन सी है। तो अगर आपको पीके वैल्यू डायरेक्टली याद होंगी तो आपको तो चेक भी नहीं करना कि इसके अंदर कौन सा इफेक्ट लग रहा है, कौन सा इफेक्ट नहीं लग रहा है। और पीके वैल्यू आपको याद होनी चाहिए इन कंपाउंड्स की, तो एटलीस्ट क्योंकि आपके पास एग्जाम में भी आया हुआ है और इनका हम लोग आगे जाकर बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो आपके पास अगर ये न्यूक्लियोफिलिसिटी बन जाता है, बस लिविंग ग्रुप क्या बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा, क्योंकि एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, बैड लिविंग ग्रुप होता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप आपके पास क्या होता है, बैड न्यूक्लियोफाइल होता है। तो आपको पता ही होगी कि अगर न्यूक्लियोफाइल पास क्या होता है, अटैक करने की कोशिश कर रहा है, पास क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा होता है, तो अगर इसकी अटैकिंग पावर अच्छी होगी तो बाहर निकले आपके पास क्या होने वाली, कम ही होने वाली है। यानी कि अगर किसी की न्यूक्लियोफिलिसिटी पावर ज्यादा होती है तो क्या होता है, पुअर लिविंग ग्रुप होता है। ये चीज भी आपको यहां पर याद रखनी है। सेकंड फैक्टर मैंने यहां पर लिखा हुआ है, इफ न्यूक्लियोफिलिक एटम इज नॉट सेम देन अदर फैक्टर विल अफेक्ट द न्यूक्लियोफिलिसिटी। जैसे कि आर ओ नेगेटिव इज मोर बेसिक देन आर एस नेगेटिव, बट आर एस नेगेटिव इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन आर ओ नेगेटिव। ये स्टेटमेंट आप लोग पढ़ते हो काफी बुकों के अंदर, आप लोग इसको एक्सप्लेन भी करते हो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, लेकिन हम लोग इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं विद द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस कि किस तरीके से आपके पास यहां पर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर कुछ चेंज आ जाता है। आर ओ नेगेटिव इज मोर बेसिक देन आर एस नेगेटिव, कैसे पता है, पीके वैल्यू से देखते हैं। आपको पता है कि आर ओ नेगेटिव की पीके वैल्यू कितनी होती है, आपके पास 16 to 18 के करीब होती है, आपके पास क्या होती है, बहुत ही हाई होती है। तो इसे आपके पास क्या होने वाली, कम ही होने वाली है। अगर इसकी पीके वैल्यू कम है तो आपके पास क्या हो जाएगा, कम बेसिक हो जाएगा। लेकिन अभी आपने कहा है कि अगर ज्यादा बेसिसिटी होती है फर्स्ट फैक्टर के अंदर की, अगर ज्यादा बेसिसिटी होती है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा हो जाती है, लेकिन वो सिर्फ तभी होती है जब आपके पास जो कंपेयर आप जिन एटम कर रहे हो उनका जो साइट है वो आपके पास क्या होता है, सेम होता है। अगर आपके पास साइट सेम नहीं है, जैसे कि यहां पर आपके पास ओ नेगेटिव अटैक करेगा, यहां पर आपका एस नेगेटिव अटैक करेगा, तो आपको कुछ और फैक्टर्स को देखना पड़ता है। तो अगर आपको और फैक्टर देखने पड़े तो आप लोग कहां पर जाते हो, आप लोग जाते हो ऑर्बिटल इंटरेक्शंस के ऊपर। तो मैंने यहां पर बनाया हुआ डायग्राम, तो मैंने यहां पर आपसे कहा था कि अगर आपके पास एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो उसके जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या आते हैं, थोड़े से लोअर एनर्जी के अंदर आ जाते हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिव सल्फर, यानी कि आपके पास जो आर ओ नेगेटिव का जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा आपके पास कहां होगा, वो नीचे होगा, या आपके पास क्या होगा, ऊपर होगा। और आपके पास ये क्या है, फील्ड ऑर्बिटल है, यहां से अटैक होना शुरू होने वाला है। तो आप लोग यहां पर क्या देखने वाले हो, आप लोग यहां पर होमो को देखने वाले हो। अब क्योंकि आर ओ नेगेटिव का नीचे है, आर एस नेगेटिव का ऊपर, अटैक कहां शुरू होने वाला है, आपके पास होमो से शुरू होने वाला है। अगर आपके पास यहां पर कोई भी सब्सट्रेट होगा तो इलेक्ट्रॉन पहले आपका आर एस नेगेटिव देगा, ना कि आर ओ नेगेटिव। आपका जो आर ओ नेगेटिव होता है वो ज्यादा बेसिक होता है, लेकिन वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक नहीं होता है। इसको आपने कैसे एक्सप्लेन किया, इसको आपने एक्सप्लेन किया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल इंटरेक्शन। तो इस तरीके से आपको करना है, इस तरीके से आपको समझना है, इस तरीके से आपको ऑर्डर सेट करना है अगर आपके साइड ऑफ एटम क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। मैंने यहां पर लिखा हुआ एसिडिटी ऑर्डर, आपको पता है कि आपके पास जो एच आई होता है क्या होता है, अच्छा एसिड होता है, फिर आपके पास एच भी आता है, फिर आपके पास क्या आता है, एच सी आता है, फिर आपके पास क्या आता है, आपको पता है कि एच आपका साइज छोटा होता है, एफ का छोटा होता है, साइज छोटा, साइज छोटा आपके पास क्या होती है, बोन लेंथ छोटी हो जाती है। अगर बोन लेंथ छोटी होगी तो बोन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हो गया। अब क्योंकि ये बोन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो एच प्लस को जल्दी लूज नहीं करेगा, और क्योंकि एच एफ जल्दी एच प्लस को बाहर नहीं निकाल से मैं क्या बोलूंगा, इसको वीक एसिड बोलूंगा इन कंपेरिजन टू एच आई, जहां पर आपके पास क्या होता है, एच बहुत छोटा होता है, आई आपके पास बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, बोन लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है, बोन वीक हो जाएगा, एच प्लस जल्दी छोड़ देगा, और अगर ये जल्दी एच प्लस को छोड़ रहा है क्या होता है, अच्छा एसिड होता है। अगर मैं बात करता हूँ इसके बेसिटी ऑर्डर के पास क्या हो जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि जैसा एसिड चलता है उसके क्या होता है, बस अपोजिट क्या होता है, आपका बेसिटी होता है। बस क्या बन जाएगा, आई नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, एफ नेगेटिव, सबसे अच्छा बेसिक क्या हो जाएगा पास, एफ नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगेन ये बेसिक है, लेकिन ये न्यूक्लियोफिलिक नहीं है, क्योंकि ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफिलिक आपके पास क्या होता है, आई नेगेटिव ही होता है। इसको भी आप लोग कैसे एक्सप्लेन करते हो, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल इंटरेक्शन ही एक्सप्लेन करते हो। आपको पता है कि अगर आपके एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होती है तो आपके पास जो उसके ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, वो नीचे आ जाएंगे, यानी कि आप
आपके पास जो नॉन मॉर्निंग ऑर्बिटल होगा फ्लोइन का पास वो क्या रहने वाला, नीचे रहने वाला फिर आपका क्या रहेगा, क्लोइन का रहेगा, फिर आपका क्या रहेगा, ब्रोमिन का रहेगा, फिर आपका क्या रहेगा, आई नेगेटिव का रहेगा। यानी कि अटैक कहाँ शुरू होगा आपके पास, यहाँ पर आई नेगेटिव से शुरू होगा। यानी कि सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, आई नेगेटिव होता है। हालांकि वो ज़्यादा बेसिक नहीं है, और बेसिक को आपने कैसे एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ पीके वैल्यू, आपने एक्सप्लेन कर दिया। आपको एसिडिक ऑर्डर तो पता है, अगर आपको ये पता है तो आपको ये भी पता है, यानी कि आपको बेसिडिक ऑर्डर तो पता होता है लेकिन इसके साथ ही काम नहीं कर रहा होता, इसके अपोजिट कर रहा होता है। क्यों कर रहा है अपोजिट काम, क्योंकि अब आपके पास जो साइट ऑफ एटम पास क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। और जैसे ही आपके पास साइट ऑफ एटम अलग हो जाएंगे, आप लोग कहां पर शिफ्ट कर जाओगे, आप लोग ऑर्बिटल इंटरेक्शन के ऊपर शिफ्ट कर जाओगे, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसके ऑर्बिटल्स नीचे। और अगर आप लोग यहां पर होमो को देख रहे हो तो आपको देखना है कि आपके पास ऊपर कौन सा है, यानी कि आई नेगेटिव यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। थर्ड फैक्टर मैंने यहां पर लिखा हुआ है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एनी स्पीशीज इंक्रीजेस इफ न्यूक्लियोफिलिक एटम इज डायरेक्टली अटैच विद हेटेरो एटम। ये कुछ रूल्स हैं, इनको आपको एज सच याद करना है। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एनी स्पीशीज इंक्रीजेस इफ न्यूक्लियोफिलिक एटम इज डायरेक्टली अटैच विद हेटेरो एटम। मैंने यहां पर लिखा हुआ है कुछ एग्जांपल, NH3 इज मोर बेसिक देन NH2 बट NH2 इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन NH3। इस चीज को आपको याद करना है, इसको आप लोग पढ़ते भी हो या कहां भी यूज करने वाले, इसको आप लोग आगे जाकर यूज करोगे हाइड्रोजन रिएक्शन के अंदर। क्या देखते हो कि बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हो। आप लोग बोल सकते हो कि यहां पर बस क्या लोन पेयर है NH3 के ऊपर, और ये आपके पास लोन पेयर है क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं डोनेशन करने के लिए। यहां पर जो NH2 है इसके ऊपर मैंने यहां पर लगा दिया NH2 लगा दिया, तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर डोनेट करने की कोशिश करेगा तो ये N क्या करेगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्या करेगा, इसको यहां पर इलेक्ट्रॉन को वापस से अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो ये आपके पास कम बेसिक होता है, जब ये डोनेशन करेगा तो ये इस तरफ खींचेगा, जब ये डोनेट करने की कोशिश करेगा वापस क्या करेगा, ये इस तरीके से खींचेगा। तो अगर आपके पास यहां पर एक कंपाउंड ये होता है, बस ये होता है, बस ये हो जाएगा, ये आपका NH3 आपस क्या हो जाएगा, ज्यादा अच्छा बेसिक हो जाएगा। लेकिन जब बात आती है न्यूक्लियोफिलिसिटी की तो आपके पास ये क्या हो जाता है, ज्यादा अच्छा आपके पास न्यूक्लियोफाइल हो जाता है। और आप लोग इसको आगे जाकर पढ़ते भी हो, कुछ नेम रिएक्शंस भी है इसके और रिएक्शन भी आपको पढ़नी है। सेम उस तरीके से आप लोग यहां पर ऑक्सीजन एटम के लिए भी बोल सकते हो, OH नेगेटिव आपके पास क्या होता है, बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है देन OH नेगेटिव। अगर आपको बात करनी है बेसिसिटी की तो आपके पास OH नेगेटिव ज्यादा अच्छा बेस होता है, लेकिन अच्छा न्यूक्लियोफाइल आपके पास क्या होने वाला है, O नेगेटिव OH आपके पास ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होने वाला है। अगर आपकी न्यूक्लियोफिलिक साइट की अल्फा पोजीशन के ऊपर कोई भी हेटेरो एटम होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो उस केस के अंदर आपके पास क्या होने वाला है, ये अपने आप से ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। इसका मैं कहां यूज करूंगा, जब भी आप लोग देखने वाले हो H2O2 OH नेगेटिव आपके पास, इससे क्या बनता है, आपके पास इससे यही बनता है परोक्साइड का, आपके पास क्या बन जाता है, न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। और ये आपके पास क्या होता है, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। तो आपको मैंने आज कुछ रूल्स बताए हैं, तीन आपको मैंने रूल बताए, आपको मैंने कैटेगराइज करना सिखाया किस तरीके से आप लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कैटेगराइज करते हो, आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। इन लेक्चर्स को आप लोग बार बार देखो, प्लीज आप लोग स्टार्टिंग के 4-5 लेक्चर्स बार बार देखो ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। एक बार आपके दिमाग में चीजें घुस जाएंगी, बेसिस आपके ठीक हो जाएंगे, तो आप लोग बाद में जाकर रिएक्शंस को कर पाओगे। रूल नंबर 4 मैंने यहां पर लिखा हुआ है, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज नॉट ऑलवेज कांस्टेंट, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इट्स सॉल्वेंट। यानी कि सॉल्वेंट का इफेक्ट भी अब आपको यहां पर लेना पड़ेगा, लेकिन इस इफेक्ट को हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल के ऊपर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं यहां पर कोई नया वीडियो अपलोड करूं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।